बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज उपलेटा जमात ने यहाँ मतलब जो है अपना रौनक लगाई हुई है। पिछले साल भी इनका प्रोग्राम अटेंड किया था, बहुत पब्लिक थी। ओल्ड पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। आज माशाल्लाह इन्होंने नेशनल कोचिंग सेंटर में रखा हुआ है, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। और ये अच्छा साइन है कि ये जो हेल्दी मतलब ये जो ईद मिलन होती है, ईद के बाद तो लोग बच्चे आते हैं, फैमिली आती हैं, आपस में मिलती हैं, इंट्रेक्शन होता है, अच्छे नतज आते हैं, बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ये बहुत सारी जमातें रखती हैं और बहुत सारी जमातें जो नहीं रखती हैं उनको भी हम ये कहेंगे कि रखना चाहिए। फेडरेशन के लेवल पे भी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे होने चाहिए। मैं आजी मसूद पारेक को, सलीम पारेक को, इनकी पूरी टीम को, अनीस हो, अख्तर हो, याकूब पोची हो, इनकी जो भी मैनेजिंग कमेटी है माशाल्लाह साहब का, सब मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव इनका ये था कि इलेक्ट्रिसिटी में जो बहुत महंगाई के दौर में वो भी सब्सिडाइज़ किया है उन्होंने। आज गैस के बिलों में भी जो है 50% सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। बहुत ही मतलब जो आज मसूद पारेक के जो है सरबराही में माशाल्लाह इनकी पूरी टीम काम कर रही है, बहुत सारी जमातें भी कर रही हैं और ज़रूरत भी है। मैं कहता हूँ और भी लोगों को, जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। फेडरेशन अपने काम कर रही है कि जमातें हमारे यूनिट हैं, इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे तो अपनी मेमन कम्युनिटी को इंशाल्लाह अपलिफ्ट भी कर सकेंगे और आज का जो महंगाई का दौर है उसको बहरान से लोगों को निकाल भी सकेंगे इंशाल्लाह।